press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो आप देख रहे हैं न्यूज़ पल चैनल और मैं हूं मनीषा। आज आप जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय राउत को राहत नहीं, ईडी रिमांड 8 अगस्त तक बढ़ी। नई दिल्ली टीम डिजिटल बात्रा चौल जमीन घोटाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्होंने 8 अगस्त तक ईडी के रिमांड में भेज दिया है। राउत के एक विशेष अदालत में पेश किया गया था। उन्हें परिवर्तन निदेशालय ईडी में धन घोषण के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने सोमवार को राउत को ईडी में हिरासत में भेजा था, जिसकी अवधि आज समाप्त हो रही थी। केंद्रीय एजेंसी उपनगर गोरेगांव के पात्रा लॉज चौल के अनुनिवासी के कथित वृत्ति अनियमितों के उनकी पत्नी तथा कथित सहितों के संपत्ति से जुड़े व्यक्तिगत लेन देन के संबंध में राउत के परिवार मध्य रात्रि को गिरफ्तार किया गया था। ईडी के राउत को सोमवार का धन शोधन रामोनाथ कानून अदालत के न्यायाधीश एनसी पांडे देश पांडे के अध्यक्ष पेश किया गया था और उनकी 8 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने शिवसेना नेता को 4 अगस्त तक की हिरासत में भेजा था। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।